बहुत सुंदर लग रहा है ये, किसी को भी ये बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं भी सीख गया हूँ तो मैं भी बनाकर किसी को गिफ्ट करूँगा, ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा। मैं आपकी तरह प्रोफेशनली काम नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन हाँ घर पर कोशिश ज़रूर होगी कि ऐसा बनाकर किसी को गिफ्ट करेंगे। एक्चुअली अगर आप क्राफ्टिंग करते हो, लाइक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्राफ्टिंग इज़ लाइक कि अगर मैं पूरे दिन टायर्ड रहती हूँ, बट क्राफ्टिंग इज़ द थिंग कि जो मुझे रियल हैप्पीनेस देती है। कोई भी हालत में हो, लाइक मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, लेकिन क्राफ्टिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। मैं इससे इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती हूँ। ये काम है ही ऐसा, और मैं तो कहता हूँ कि आप सीख ही लीजिए। देखिए और भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं जनहित में जारी है। चार्ली चौहान, सो आप सबने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, सिंगिंग भी देखा है। हाँ, तो नाउ आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। सडनली मुझे एक नया यू नो फीवर सा आ गया है अबाउट फिटनेस, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग विच आई एम डूइंग दीज डेज। हम इसे एरियल योगा नहीं कहेंगे, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट। शी इज़ मी दीपिका। दीपिका इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन यू वॉट इट इज़ एग्जैक्टली, एंड बट दिस इज़ फन। मुझे बहुत मज़ा आता है। आई डोंट मिस एनी क्लास। आई एम नॉट वेल बट स्टिल आई एम हेयर, बिकॉज इसका एक क्लास मिस करना भी मुझे ऐसा लगता है नो आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस क्लास। नाउ शी विल एक्सप्लेन यू। हाय, माय नेम इज़ दीपिका विजय, एंड ये फायरफ्लाई एरियल फिटनेस है। चार्ली हैज़ बीन लर्निंग योर फॉर गुड 2 months नाउ, एंड शी इज़ अ वंडरफुल स्टूडेंट। एरियल फिटनेस इज़ ये मिक्स है योगा का, but it is not aerial yoga exactly, it's just borrowing some asanas from Indian aerial yoga, Indian yoga, and it's a mix of Pilates, TRX, a lot of other kinds of exercises. It's a full body workout, and full body fitness ke liye it's very amazing. ye aerial hammocks hai, aur ye hammock hai jaise jhula hota hai, but ye alag kisam ka, khas kisam ka jhula hai, imported hai, padta nahi hai jab hum isme bahut strong hota hai ye 200 kgs mein, aur 40 pe ikatthe khade ho jayenge to bhi nahi kuch hoga, so 200 kgs tak aaram se le sakta hai, but ye ghar pe try karne wali cheez nahi hai, so do not try it at home at all. Okay, so usually like hum log dancing ya kuch bhi start karte hain usse pehle hum warm up karte hain, to isme bhi we start with the warm up and uske baad hum log स्टार्ट करते हैं पूरा। सो विल स्टार्ट विद द वार्म अप। फायरफ्लाई एरियल फिटनेस में मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया फिटनेस का, ये पिलाटीज, टीआरएक्स, योगा आसनास और मेरी डांस ट्रेनिंग का सबका मिक्स है ऑफ ऑल द 10 years दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। और एरियल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बिकॉज इस पर हवा में काम करते हैं, जो ज़मीन पर रह के ग्रेविटेशनल पुल होता है वो पूरे बोन्स को, स्पाइन को धीरे 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 अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी की फोर्स। जब आप वर्कआउट करते हो किसी भी चीज़ में, नॉर्मल डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, पर इसमें जब सस्पेंशन होता है, इन्वर्जन होते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन जो उल्टा होते हैं, उल्टा लटकते हैं, उससे स्पाइन में बहुत सारा डीकम्प्रेशन होता है, बहुत सारा स्पेस क्रिएट होती है, बहुत सारी जो सारी नर्व्स को
खोलता है और जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिलैक्स करता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है शरीर का, रिलैक्सेशन होता है. जितना भी वर्कआउट होता है लो इम्पैक्ट वर्कआउट होता है, कोई ज़्यादा झटका नहीं लग सकता क्योंकि ऑलरेडी सब कुशनड है और सॉफ्ट है, यू आर इन द एयर, किसी चीज़ का कोई डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता है अपसाइड डाउन का. और सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि एंटी एजिंग होता है. जब अपसाइड डाउन होते हो आप तो इट इवेंचुअली विद प्रैक्टिस इट ओपन्स अप योर पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलैक्सेस एवरीथिंग, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिवेट होने से एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है. सो लॉट ऑफ वीमेन लव दैट फैक्टर. बॉडी में जितने मेजर मसल ग्रुप्स हैं सबको वर्कआउट करता है, फिर योर आर्म्स, कोर, लेग्स, योर बैक. तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस और स्ट्रेंथिंग, सारी चीज़ें जो होती हैं फिटनेस में, वर्कआउट में, उन सब का ध्यान रखता है. कुकून मेडिटेशन करेंगे जो बहुत बड़ा हिस्सा है रिलैक्सेशन का और एरल फिटनेस का. और इसको कुकून मेडिटेशन मैंने नाम दिया है, इट्स जस्ट सिंपल रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन. ये मैंने वेगस में सीखा था और इसकी वजह से मैं इसे मुंबई लाना चाहती थी और इसे प्रैक्टिस करना चाहती थी. Now it's been like 2 months जब से मैं एरियल कर रही हूँ. इनिशियली बिकॉज बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज एकदम से स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे. बट देन लकीली आई हैड अ वेरी गुड टीचर जिन्होंने मुझे ठीक से बताया, बिकॉज अदरवाइज अगर ठीक से नहीं किया ना तो इट कैन आपकी बॉडी पे इंजरीज हो सकती है. एरियल फिटनेस किसी बॉडी टाइप के लिए या किसी भी शेप, साइज, कलर, सेक्स किसी के लिए ना नहीं है. सब कर सकते हैं, सबके लिए ओपन, द क्लास इज ओपन टू एवरी वन, इट्स ओपन फॉर एवरी वन. आप वेदर यूर अ मैन और यूर अ वुमन, यूर अ गर्ल, यूर अ बॉय, एनी एज ग्रुप, एनी फिटनेस लेवल. अगर आपने इससे पहले कोई क्लासेस नहीं करी है, कुछ फिटनेस ट्राई नहीं करा है, तब भी आप ये आके कर सकते हैं. ABP News, आपको रखे आगे.